टाटा मोटर से यार को लेकर बीच एक बड़ी खबर पर करिए फोकस। आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आती दिख रही है और वो है टाटा मोटर्स के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि टाटा मोटर्स के लिए एक बड़े कंपटीशन की संभावनाएं जो बन रही थी टेस्ला की एंट्री से। तो एक तो वैसे टाटा मोटर्स जैसा टेस्ला वाले भाई साहब बारात आ रहे थे मस्त साहब जी, उस चक्कर में टाटा मोटर्स की ऐसी पिटाई की थी लोगों ने शॉर्ट कर दिया था कि भाई वो आएंगे तो कुछ बड़ा अनाउंस करके जाएंगे, पहली चीज है। और दूसरी चीज है कि अगर वो बनाएंगे भी तो लो कॉस्ट कार बनाना चाहते हैं, न कि प्रीमियम कार, राइट। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छी खबर है टाटा मोटर्स के लिए। तो मैक्सिको और भारत में, मैक्सिको तो ठीक है हमारे काम की नहीं है, लेकिन भारत में टेस्ला की एंट्री थोड़ी टलने का फायदा टाटा मोटर्स के लिए होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल ना। कल मस्त साहब ने कॉन कॉल में भी इनका क्या हुआ, दो चीजें कही, एक तो अफोर्डेबल ईवी बनाएंगे। अच्छा, तो अभी तक प्रीमियम ईवी बनाई के लिए जाना जाता था टेस्ला, अब अफोर्डेबल ईवी अगले साल लॉन्च करने का प्लान है और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में ही ये किया जाएगा। तो जो नया प्लांट था, बात चल रही थी कि शायद भारत में नया इन्वेस्टमेंट, नया प्लांट लगा सकते हैं, अब वो नहीं होगा, जो इनके एग्जिस्टिंग प्लांट है वहीं पर करेंगे। एक तो ये बड़ी खबर थी, दूसरी थी कॉस्ट कटिंग कर रहा है टेस्ला, तो शायद फ्रेश इन्वेस्टमेंट पर अभी ब्रेक लगाएंगे। करीब 2700 जॉब्स ग्लोबली टेस्ला अभी छटनी करने जा रहा है, तो उसकी वजह से जो फर्दर एक्सपेंशन प्लान्स हैं या ब्रॉडनिंग प्लान्स हैं उस पर थोड़ा ब्रेक लग रहा है टेस्ला के। ये क्लियर संकेत कल के कॉन कॉल से आया है टेस्ला के नंबर्स के बाद। डायरेक्टली इनडायरेक्टली के इनके लिए कॉम्पिटिशन कम होने की संभावना टाटा मोटर्स के लिए मजबूत होती दिख रही है। टाटा मोटर्स कल ही किसी का बाय कॉल था मेरे ख्याल से, अगर आप में से कोई बता दे तो ठीक, सुमित जी का था। सुमित जी तो खैर अभी है नहीं, लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स में कौन है जो अलर्ट मोड में है, तो वैसे सारे ही अलर्ट मोड में। कौन है आप में से जो टाटा मोटर्स के चार्ट देखकर बता सकते हैं? बंसल जी आप अलर्ट है, बाकी सब नहीं है? अच्छा, वेरी नाइस, बताएं बंसल जी। मैं अनिल जी अलर्ट मोड में तो कुणाल जी को डालूंगा अभी मैं, तो कुणाल जी आप रेडी रहे। अनिल जी मेरे को नहीं लगता अनिल जी टेस्ला के आने से टाटा मोटर को कोई दिक्कत होगी। अनिल जी ये तो ना एक मतलब की मोस्ट पॉपुलर बिलीफ है। मैं तो अनिल जी जैसे आप बोलते रहते हैं विदेश यात्रा करिए तो टेस्ला की गाड़ियां देखता हूं, अनिल जी टाटा मोटर्स की, अनिल जी जो लोकल गाड़ियां हैं और जो इसकी SUVs हैं, जो लैंड रोवर वगैरह रेंज रोवर हैं, डिस्कवरी, अनिल जी उसका कंपटीशन नहीं। अनिल जी टेस्ला दूसरे तरीके की गाड़ियां बनाता है और टाटा मोटर्स की जो गाड़ियों के कस्टमर हैं वो अलग हैं, टेस्ला की गाड़ियों के कस्टमर अलग हैं अनिल जी। और टेस्ला लेने वाले लोग वो होंगे जिनके पास ऑलरेडी टाटा मोटर की भी लग्जरी है और दूसरी भी लग्जरीज होंगी, मोर ऑफ सेडान टाइप की होती है अनिल जी, थोड़ी सी नीचे वाली होती हैं गाड़ियां। तो मुझे को नहीं लगता कि टेस्ला से इसको इतना फर्क पड़ेगा अनिल जी। पॉपुलर बिलीफ है और पॉपुलर बिलीफ हमेशा गलत निकलते हैं। इक्का दुक्का कुछ गाड़ियां मिलती जुलती हों तो अनिल जी, हल्की फुल्की SUV हों तो अलग बात है। और रही तो बात अनिल जी टेक्निकल मोड के लिए, तो वो कुणाल जी को मैंने अलर्ट कर दिया था, ओवर टू यू कुणाल जी। एक और आपने जो कहा कि पॉपुलर बिलीफ अक्सर गलत निकलते हैं, ये जो पैनल पे चार लोग हैं, दो जाने माने एंकर है, हमारा पैनल साहब से तो टाटा मोटर्स पे राय लेनी है। टाटा मोटर्स बिल्कुल अनिल जी, हमारा भारत का टेस्ला टाटा मोटर्स ही है और सिर्फ यही नहीं है, ईवी का बिजनेस, जैगुआर लैंड रोवर का भी बिजनेस काफी स्ट्रांग है और थोड़ा बहुत जिस हिसाब से रिवाइवल चाइना में दिख रहा है, मैं मानता हूं कि जैगुआर लैंड रोवर में भी अच्छा खासा रिवाइवल दिखेगा। और रही बात इंडिया की, तो टाटा मोटर्स के पास लग्जरी भी है, मिड सेगमेंट भी है, लो सेगमेंट जो मारुति केटर करता है, बजट सेगमेंट जिसे हम कहते हैं वो भी केटर करता है, तो सारी रेंज है। तो टाटा मोटर्स डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन ऑटोमोबाइल स्पेस की कंपनी है, जो आपको पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए एटलीस्ट 2 साल के लिए। टाटा मोटर्स को होल्ड करें, पोर्टफोलियो में रखें, ये राय आपके लिए आती हुई।